हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरह से जो है सैमसंग की वॉशिंग मशीन होती है उसको कैसे हम जो है बिना पीसीबी के डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं हमारे उसके अंदर मोटर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक ये वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग आई है जिसके अंदर पीसीबी जो है ये हमारे पीसीबी जो है ख़राब हो चुकी है। इसमें ऐसे एक्चुअली पता तो नहीं चल पा रहा पीसीबी ख़राब है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा फंक्शन काम कर रहा है, लाइट वाइट जल रही है, इंडिकेटर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारी जो स्पिन मोटर होती है वो नहीं चल रही है, या वॉश मोटर जिसको हम बोलते हैं वो नहीं चल रही है। प्लस उसके अलावा भी जो है दोस्तों, इसके अंदर हमारी जो हम स्पिन मोटर पर इस मशीन को लेते हैं तो हमारी जो ड्रेन मोटर है तो वो भी काम नहीं कर रही है। उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी जो मशीन जो है काम कर रही है। अब भाई दोस्तों, मैं आपको ये जो है चला करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जिसको मशीन को जब चालू करते हैं तो आपको देखिए दोस्तों आवाज़ होगा, जैसे ही मैं इसको स्पिन मोड पर रहता हूँ, ये मैंने मशीन को जो है स्पिन मोड पर लिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब इसके अंदर जो है ये मशीन जो है पहले जो पीसीबी वोल्ट पहचानने का होता है कि हमारा ये मशीन जो है ब्लिंकिंग नहीं कर रही है। ये लाइट अगर ब्लिंकिंग नहीं कर रही है तो हमारी पीसीबी ख़राब होती है। उसके अलावा दोस्तों, हमारी जो है ये स्पिन मोड पर लेने के बाद ये आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमारी जो है ड्रेन मोटर भी काम नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें पता चलता है हमारी जो पीसीबी फॉल्ट है और हमारी जो है इस जो वॉश मोटर भी नहीं चल पा रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें जो है ये इससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे जो ये पीसीबी में फॉल्ट है हमारी मशीन जो है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ डायरेक्ट चला करके देखनी है, आप ऊपर आई बटन पर यहाँ पर इस जगह आई बटन पर क्लिक करके सफ़ेद पट्टी जो आ रही है तो उसको आई बटन बोलते हैं, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके मैंने इसके अंदर पीसीबी के अलावा मशीन को डायरेक्ट चलाना बताया है। और हो सकता है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अब भाई दोस्तों, हमारे पास इस तरह की एक दूसरी पीसीबी पड़ी हुई है, हम उसको लगा करके देखते हैं हमारी मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब मशीन को जो हम ऑफ करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास दूसरी पीसीबी, हम उसको जो है चला के हैं और देखते हैं। अब मैं इसको जो है स्पिन मोड पर लेता हूँ और तो देखा दोस्तों आपने, हमारी जो मशीन जो है अब ब्लिंकिंग कर रही है, हमारी मशीन जो है लपजुप कर रही है। इसे हमें पता चलता है हमारी जो है ये पीसीबी एकदम ओके है। अब हम पीछे की साइड में जाते हैं और देखते हैं हमारी ड्रेन मोटर जो है काम कर रही है। आपको दोस्तों देखिए नज़र आ रहा होगा, हमारी बेल्ट जो है ये जो चीज़ है ये पूरी जो है पीछे की तरफ हो चुकी है। अब हमारी जो है ये स्पिन मोटर जो है चलेगी और काम करेगी। तो देखा दोस्तों आपने, हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हमारी मशीन जो है चल हालू हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अगर मैं इसका ड्रेन देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसका जो है ये ऊपर ले रहा हूँ पीसीबी, हम जैसे मैं ढक्कन इसका खोलता हूँ हमारी मशीन जो है रुक जाती है। वैसे ही इसको नीचे करता हूँ हमारी मशीन जो है वापस ऑन हो जाएगी। आपको भी दोस्तों इस तरह की जो एक एक पीसीबी जो स्पेयर में रखनी चाहिए, जिससे आप कहीं पर भी साइड पर मशीन देखने जाएं या आपके वर्कशॉप में कोई मशीन रिपेयरिंग आए तो आप उसे आइडेंटिफाई होकर इस तरह से जो है इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस चीज़ समझ में आई होगी कि इस तरह से हमने जो इसको जो है सॉल्व आउट किया है। तो लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।